आम आदमी पार्टी की लगातार चल रही मुहिम जमीन आपकी फ्लैट आपका के तहत नया नगर पुलिस चौकी से आ रही है। यहाँ पर एक शिकायतकर्ता कलीम अहमद ने नया नगर के अस्मिता ग्रुप के मुजफ्फर हुसैन पर कन्वेंस डीड नहीं देने के लिए जो शिकायत की थी, लगातार 95 दिन 95 डेज से ये शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन में घूम रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि पुलिस मुजफ्फर हुसैन के दबाव में काम कर रही है, जबकि ये केस कॉग्निजेबल केस है, 8 दिन में FIR दर्ज होनी चाहिए। पुलिस बिल्डर को बचाने के लिए लगातार अलग अलग पैंतरे अपना रही है और 2 दिन पहले शनिवार को इन्हें कहा गया कि आपकी शिकायत FIR दर्ज हो जाएगी और सोमवार को जब ये शाम 6 बजे वहां पहुंचे तो उन्हें 7-8 घंटे लगातार बिठाने के बाद पुलिस स्टेशन से ये एक लेटर बना के दिया गया है जो कि अधिकार में नहीं है। ये बिल्डर को बचाने की एक साजिश, एक कोशिश है। आइए सुनते कलीम अहमद क्या कहते हैं। जी कलीम भाई, मैं देख रहा हूँ लगभग 6:30-6 बजे से आप यहाँ पुलिस स्टेशन में हैं और आप 2 दिन पहले भी आए थे जब आपसे कहा गया कि आप सोमवार को आइए, और आज कितने दिन हो गए आपको शिकायत दर्ज करवा के? मैं 18 जनवरी को 2022 को दिया था अपना FIR एप्लीकेशन। तब से जब ये बुलाता है तो इतने दिन से कम से कम 100 बार से ऊपर हो गया। मैं हर बार आता हूँ, आगे देखने है। आज का फाइनल बनता है कि आपका हम कोई भी डिसीजन ले लेंगे आज, और आपको बता देंगे कि आपका FIR क्या नहीं है। लेकिन आज फिर भी ये तैयार किया गया मराठी में कुछ लिख करके, तो हम अपने दोस्तों से उसका ट्रांसलेट कराया, तो उसमें ये लिख रहा है कि आप ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, और टीम के लिए आपका ड्राफ्ट बनवाएगा बिल्डर और आपको देगा, ये आपके दिमाग में, जबकि ये बात हम तक कोई एग्री नहीं किया। हम तो ये इतना के लिए आए हैं कि क्या मेरा FIR MoFA एक्ट में होगा या नहीं होगा। आपको क्या लगता है 95 डेज हो गए, पुलिस क्यों नहीं करे? इसकी वजह, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर और कई सारे बिल्डरों के खिलाफ 5-6 FIR पहले हो चुकी है, तो क्या वजह है ये अस्मिता ग्रुप के खिलाफ FIR नहीं हो रही? इसमें वजह ये है कि वो बहुत पावरफुल आदमी है अस्मिता बिल्डर, रसूखदार। हाँ, बहुत रसूखदार है, और इसीलिए ये सारी मंडवाली चल रही है, ये वो कोशिश किया जा रहा है, जबकि लॉ में, कानून में इसकी कोई जगह नहीं। जहाँ तक मुझे पुलिस प्रशासन से आपका विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो 95 डेज घुमाएगी और हाँ या ना में जवाब नहीं देगी, हमारा FIR लिखेगी नहीं और ना भी नहीं कहेगी, ये तो सबसे बड़ा बात यह है कि पुलिस ना भी नहीं कह रही और हाँ भी नहीं कह रही है, ये कौन सा दुर्गा है? या तो यस और कर लो, ये बिल्डर आएगा, ये हमारा मतलब नहीं है, वो कोर्ट में जवाब देंगे। हमारे को तो गुनाह किया, हम उसका आए हैं कि आप लिख सकते हैं, कानून के अंदर आता है तो लिख दीजिए, नहीं आता तो आपको जवाब देंगे नहीं या बनता है, छोटी सी सवाल है बस। और उसके लिए 95 दिन, तो आप विश्वास कीजिए, क्या मैं और विश्वास करता रहूं? उन्होंने कुछ लिख के देने की कोशिश की है जो हमारे को कोई FIR नहीं, हमको इतना ही चाहिए पुलिस से कि हमको लिख के दे दे, हमारा FIR होगा। हमने वही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुखदेव बनवंशी और सेक्रेटरी एडवोकेट ब्रजेश शर्मा से भी बात की कि आखिर पुलिस का ये रवैया क्या कहता है, क्यों बिल्डर को बचाने की कोशिश की जा रही है, आइए सुनते। सुखदेव जी, क्या आप आज FIR करने आए थे, क्या क्या पुलिस ये बोलने के लिए तो एक आदमी चाहिए, क्या हुआ आज 2 महीने हो गए हैं, क्या भी रिप्लाई मिली? पुलिस बहुत दबाव में है और जो FIR है वो नहीं ले रही है, पुलिस बहुत दबाव में है, जो हमारा FIR है वो नहीं ले रही है, और उसको जिस तरीके से मोड़ा जा रहा है और उसमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि जो कन्वेंस लेने की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से सोसाइटी की है, जबकि वो पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है वो बिल्डर की है, बिल्डर को बिना शर्त वो सब चीज़ें कन्वेंस देना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करते हुए बिल्डर ने वो पहला जो गुनाह तो किया ही है कि 4 महीने में उसको कन्वेंस देना था, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते हुए पुलिस प्रशासन बिल्डर को बचाने में लगा हुआ है और उनके तरफ से ही बात कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रशासन जो है वो पूरी तरह से वकालत पुलिस की कर रहे हैं, अपना बिल्डर की कर रहे हैं, इसमें नज़र आ रहा है। वकील साहब, मैं आपसे बात करूंगा, मैं देख रहा हूँ 6 बजे से हम आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं,
और दो महीने से FIR नहीं हो रही है, कई कारण बताए गए, ये 95 दिन हो गए पूरे, 95 डेज। क्या वजह, अभी आपको कोई उनके जो लोग आए थे बिल्डर की तरफ से कुछ लोग आए थे, क्या बात हुई अंदर, सीनियर साहब ने क्या कहा? जहाँ तक देखो वो बात है, पुलिस का काम है FIR लेना, और हम जो है डे वन से इस बात पे अड़े हुए हैं कि FIR लिखी जाए, लेकिन बिल्डर के आदमी आगे पुलिस पे अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हैं कि FIR ना लिखी जाए, और पुलिस भी उनके दबाव में आकर जो है FIR नहीं लिखने के लिए अलग अलग तरीके से UNC का बहाना, कभी किसको ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आप ला के दो, इस तरह की बहानेबाजी करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद भी हम यहाँ पे डटे हुए हैं, हम जब तक FIR नहीं होगी तब तक हम हिलने वाले नहीं हैं यहाँ से। वहीं हक एक संगठन के अध्यक्ष सादिक बादशाह भी थे, हमने उनसे बात की। सादिक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये अभी जो ये अस्मिता के जो बिल्डर हैं, नामी बिल्डर हैं, और उनके खिलाफ पुलिस शिकायत लेने को तैयार नहीं है, 95 डेज हो गए उसको, और आज सारे जो आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर के लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ जमा है शाम 6 बजे से, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख होता दिखा नहीं, आपका कहना क्या? देखिए, जैसा कि ब्रिजेश जी ने बताया, सुखदेव जी बता रहे हैं कि 95 डेज पहले हम एक कंप्लेंट जो कलीम साहब है वो दे रहे हैं, और आज 95 डेज बाद जब हम FIR हुई कि नहीं ये पूछने जब आते हैं, तो सरप्राइजिंग बात है कि हम तो चाहते हैं कि अस्मिता बिल्डर के जो एम्प्लॉयज़ हैं या अस्मिता बिल्डर का जो मालिक है वो आए, लेकिन यहाँ पर जो आता है वो यहाँ का नगर सेवक है। अभी हमको ये पहली बार पता चलता है कि ज़ुबैर इनामदार यहाँ का नगर सेवक नहीं है बल्कि अस्मिता बिल्डर का एम्प्लॉय है। अगर वो एम्प्लॉय है अस्मिता बिल्डर का, तो पब्लिक को बता दे कि वो अस्मिता बिल्डर का एम्प्लॉय ना कि नगर सेवक है, क्योंकि हम जब सवाल अस्मिता बिल्डर से कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट रह के क्यों बात किया जा रहा है। तो ये सीधा तौर पे दिखता है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, और पुलिस प्रशासन के सामने भी दिख रहा है कि आज मीरा रोड में कई सारे बिल्डिंग्स हैं, कई सारे बिल्डर हैं जो कन्विंसड नहीं दे रहे हैं। उसको लेकर जब भी हम पुलिस स्टेशन आएंगे, तो जिस तरीके से आज पुलिस 3-4 घंटे लगातार बात कर रही है, कोशिश कर रही है कि FIR ना ले, क्या पुलिस हर कन्विंसड के मसले में इंटरफेयर करके इस तरीके से करेगी? नहीं करेगी। यहाँ पर बड़े बड़े मसले हाथ भी कट जाते लोगों के, तो पुलिस बोलते जान दे FIR मत करो, मतलब सीरियस मैटर पे FIR नहीं होते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मैटर है कि कन्विंसड नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस FIR करेगी ऐसा बोल रहे हैं, जबकि हम क्या बोलते हैं कि आप FIR करिए, इन्वेस्टिगेशन आप करिए, जो करिए आप कोर्ट के सामने लाइए, हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा तौर पर दिखता है कि पुलिस लाइन क्रॉस कर मुजफ्फर हुसैन या अस्मिता बिल्डर को फेवर करने के हिसाब से एक प्रेशर के अंदर काम कर रही है। और जैसा कि आम आदमी पार्टी के सभी लोगों ने कहा, और एक हके के कार्यकर्ता करके मैं हमेशा कहता हूँ कि जो संघर्ष है आने भी पुलिस के खिलाफ भी अगर हमको लगा, तो विरोध प्रदर्शन करना की जरूरत है, अस्मिता बिल्डर के सामने भी करने की जरूरत है, क्योंकि और कलीम साहब की मैं मतलब दाद देना चाहूँगा कि इतने हिम्मत से वो लगातार जो लड़ रहे हैं, तो पुलिस जो अभी कर रही है वो गलत कर रही है। पुलिस ने FIR लेना चाहिए, और FIR लेने के बाद अगर नहीं लेगी तो आंदोलन होएगा, और ये मुजफ्फर हुसैन का जो मतलब दबाव में जो पुलिस काम कर रही है, खंडन करने वाली चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के लोग अपर जो अथॉरिटी उसके पास जाकर ये FIR इनके खिलाफ रजिस्टर करवाएं। एक तरफ इस शहर के लाखों लोग हैं जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपना घर खरीदा है, और दूसरी तरफ चंद बिल्डर हैं जो इन लाखों लोगों के हक को मार के बैठे हुए हैं। इन लोगों के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और हमें बार बार जिस तरह से हमें देखने मिला, जिस तरह से उदासीनता देखने मिला है सिस्टम का, कि ये सिस्टम जो लोकतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए है वो सिर्फ चंद बिल्डरों की सेवा कर रही है, और जो हक मारकर बैठा उसको संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी की लड़ाई इन लाखों लोगों के लिए है जिनका हक बिल्डर मारकर बैठे हैं। हमारी लड़ाई चलती रहेगी तब तक जब तक लोगों का उनका हक नहीं मिल जाता, उनके हक का घर का जमीन नहीं मिल जाता, कन्वेंस डीड नहीं मिल जाती, तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये कन्वेंस डीड का जो मसला है वो आप जहाँ रहते उत्तन साइड में, वहाँ पर भी इसी तरीके की सब चल रही है, क्या बताएंगे इस पूरी घटनाक्रम के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक उत्तन का सवाल है, उत्तन में बिल्डिंग्स मैक्सिमम इलीगल, इसीलिए ये मुद्दा वहाँ का नहीं हो सकता। जो कुछ बिल्डिंगें हैं लीगल, वहाँ मुद्दा निश्चित ही बनता है। कन्वेंस किसी बिल्डर को 4 महीने के अंदर देना कानून के हिसाब से देना ही है, और अगर वो नहीं देते हैं तो उसके लिए गुनाह, पुलिस को गुनाह दाखिल करना चाहिए। गोल गोल घुमाने के हिसाब से सामने बिल्डर के अधिवक्ता को बुलाया और हमें कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की। जहाँ तक हम मीरा भाईंदर आम आदमी पार्टी टीम 16 FIR करवा चुकी है, तो हमें अनुभव है कि ये मांडवली कराने का नतीजा क्या होने वाला, हमें मालूम है कि ये समय हमें वो चाहते हैं कि समय में हम गोल गोल घूमते रहें और लास्ट में नहीं देने वाले, क्योंकि नुकसान क्या है, जो पहले वाले बिल्डिंग जो पहले रहवासी वहाँ रहते हैं
कभी खुदा ना खास्ता वो बिल्डिंग डिमोलिश की गई तो जो फ्लैट धारक है उसको कुछ नहीं मिलता। इसीलिए आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। 95 दिन हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है और आज जो रिजल्ट अभी लगभग 12 बज चुके हैं, अभी जो करंट रिजल्ट ये है कि यहाँ जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो इस बात को लिख कर देने के लिए एग्री हुए हैं कि हम मोफा के अंतर्गत किस किन कारणों से ये FIR नहीं ले सकते। हमें यही चाहिए था। इसके बाद हम इस पेपर को लेकर आगे जो इनके सीनियर अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे और कानूनी तरीके से हम इन्हें बाध्य करेंगे कि ये मोफा एक्ट के अंतर्गत कन्वेंस डीड के लिए FIR ले। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुहिम को चलाए हुए कन्वेंस डीड को लेकर और हाल ही में स्टेट कमेटी के साथ उनकी हुई आम सभा में भी विधिवत ये घोषणा की गई है कि आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर कन्वेंस डीड के मुद्दे को लेकर इस बार के मनपा का चुनाव लड़ने जा रही है। अब जिस तरीके से नयानगर पुलिस स्टेशन में अब तक 5 से 6 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, FIR हो चुकी हैं, तो फिर अस्मिता ग्रुप पर FIR करने में पुलिस क्यों आनाकानी कर रही है? क्या ये FIR होगी या नहीं होगी, या ये आम आदमी पार्टी वहाँ की इकाई कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा करती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।